हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के क्वेश्चन। इससे पहले हम इसकी एक थ्योरी देख चुके थे, जो भी इसका बेसिक्स था मैंने पिछले दोनों वीडियो में बताया था। इसमें देखो क्वेश्चन करते हैं, मैंने बताया था कि अगर कोई भी सिग्नल पीरियोडिक है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो कोई सिग्नल है एफ टी, मैंने मान लिया, अगर ये पीरियोडिक है यानी एफ टी प्लस टी को ये फॉलो कर रहा है, ये पीरियोडिक है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देन मेरा एफ टी जो होगा वो होगा के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी के ई की पावर जे ओमेगा नोट के टी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये सब, ठीक है। तो और जहाँ पे सी के की वैल्यू क्या होती थी, सी के जो होता था यहाँ पे वो होता था पूरे पीरियड पे उसकी इंटीग्रल एफ टी e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट के टी डी टी, ठीक है। तो ये देखो, अभी ये क्वेश्चन 99 में आया था, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इम्पल्स ट्रेन डिनोटेड बाय, यहाँ पे ये सिग्नल दे रखा है हमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस एन टी नॉट इज गिवन बाय। अगर मैं इसे लिखूँ, हमारा जो गिवन सिग्नल है हमें इसको लिखना फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन करना, इसका मतलब एस टी इक्वल्स टू देखा मेरा के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस एन टी नोट। तो मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सी के की वैल्यू ज़रूरत होती है और ओमेगा नोट की ज़रूरत होती है। तो मैं इस वाले सिग्नल को पहले अगर ओपन करूँ तो किस टाइप का दिखेगा, मेरा डेल्टा टी को अगर मैं ओपन करता हूँ, सॉरी एस टी है ये, एस टी को मैं अगर ओपन करता हूँ तो मेरा किस टाइप का देखेगा, एन इसकी वैल्यू लगा चले आओ, ये यहाँ पे एन दे रखा है तो एन से स्टार्ट करो, सॉरी ये एन है तो एन की वैल्यू लगानी शुरू करो। तो एन की वैल्यू अगर मैं जीरो डाली तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर ये केवल डेल्टा टी बचेगा। वन डालो तो टी माइनस एन टी नोट, दो डालूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू टू डालूंगा तो 2t नोट, ऐसे ये चलता चले जाएगा। ऐसे अगर माइनस की वैल्यू डालूंगा, माइनस वन डालो ये प्लस हो जाएगा, डेल्टा t प्लस t नोट हो जाएगा। ऐसे माइनस टू डालोगे क्या आ जाएगा, 2t नोट, ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक चलता चले जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो, अगर मैं सिग्नल को ड्रॉ करूं तो ये किस टाइप का दिखेगा, t इक्वल्स टू जीरो पे क्या है ये एक डेल्टा टी है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते थे हम। नेक्स्ट एक टी नोट पे, टी नोट पे आके एक इम्पल्स है, एक टी नोट पे आके इम्पल्स बना दो, सेम मैग्नीट्यूड इसका एरिया होगा, टू टी नोट यहां पे लिख दो डेल्टा टी माइनस टी नोट डेल्टा टी माइनस टू टी नोट एंड एंड सो ऑन। ऐसे अगर मैं इधर बनाता हूँ तो क्या होगा, माइनस टी नोट पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी प्लस टी नोट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रो, हमें निकालनी होती है सी के की वैल्यू, ठीक है, और उसका पीरियड पता करना है। अब मैं पीरियड देखूँ तो पीरियड मतलब कि उस चीज़ का बार बार रिपीटेशन होना। अगर मैं यहाँ से इसको देखता हूँ तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर जाके मिल रही है, तो इसका मतलब पीरियड क्या हो गया, इसका जो पीरियड हो गया वह हो गया टी कस टू टी नोट, है ना। अगर ये टी नोट हो गया तो मैं अपने जो हमें ओमेगा नोट की वैल्यू चाहिए होती है वो होती है टू पाई अपॉन उसका पीरियड, तो इसकी वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी ओमेगा नोट की, टू पाई अपॉन टी नोट, ठीक है। एक चीज़ तो हमें मिल गई, अब बस सी के और मिल जाए तो अपना काम बन जाए। तो सी के की वैल्यू निकालते हैं, तो सी के क्या होता है, सी के होता है वन अपॉन पूरे पीरियड पे वन अपॉन टी, हमारा कितना है वन पीरियड टी नोट है, उसकी वैल्यू निकालते हैं ओवर ए पीरियड। तो मैं इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग थिंग बताऊंगा, जब भी अगर हमसे इम्पल्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमें ऐसा पीरियड लेना है, मैंने कहा टी नोट लेना है, पीरियड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, टी नोट होनी चाहिए। तो टी नोट कब होगी, अगर मैं देखो यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ तो देखो यहाँ पे ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है, ठीक है। ऐसे जब भी ये स्पेशल केस समझो इसको, जब भी इम्पल्स का केस होता है तो हम ऐसे पीरियड को लेते हैं ताकि उसमें मतलब जैसे दो या ऐसे करके कन्फ्यूज़न ना हो कि इसको लेना कि इसको लेना, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, ये जीरो माइनस टी नॉट ये कितना होगा पॉइंट, माइनस टी नॉट बाई टू, और ये कितना होगा टी नॉट बाई टू। ठीक है, ये भी तो क्या है, इसका पीरियड ही है। यहाँ अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये यहाँ पे जाके तो रिपीट हो रहा है, तो ये भी तो टी नॉट ही है। अगर मैं इस वाले इस पर बात करूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, सी के इक्व टू वन अपॉन टी नॉट माइनस टी नॉट बाई टू से टी नॉट बाई टू। एफ उस टाइम पे सिग्नल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट के टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू मैं लगा चुका हूँ। अब ये डेल्टा टी है, क्या इन दोनों लिमिट्स के बीच में है, बिल्कुल है। तो टी कस टू जीरो पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या लगा दूंगा इसको, मैं इंपल्स वाले फंक्शन पढ़ाया था उसमें, उसकी जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो बस टी कस टू जीरो रख दो इसमें, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वन अपॉन टी नॉट, जब मैं टी कस टू जीरो लगाऊंगा इसमें मुझे कितना मिलेगा, टी कस टू जीरो लगा दिए मैंने, क्या मिला मुझे, ई की पावर, ये जो मेरा फंक्शन है ना, जो फंक्शन होता है इसमें मैं क्या करूँगा, टी कस टू जीरो पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन टी नॉट, ये तो वन हो जाएगा टी कस टू जीरो पर। ठीक है, तो सी के की वैल्यू आई वन अपॉन टी नॉट। अब मैं उसको एस टी, अपना जो हमारा सिग्नल है एस टी, इसको लिखूंगा मैं अपने फोरियर सीरीज के रिप्रेजेंटेशन में। देन एस टी मेरा क्या आएगा, एस टी क्या होता है, के कस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी के, सी के की वैल्यू आई है वन अपॉन टी नॉट। देन ई की पावर जे ओमेगा नॉट के टी। ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, ये टू पाई अपॉन टी नॉट। तो ये इस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, तो ये उसमें ऑप्शन की विनते ओमेगा नॉट की वैल्यू लगा दोगे टू पाई अपॉन टी नॉट, तो वहाँ पे ऑप्शन से मैच कर जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें बताना है इसमें सी टू की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें देखो डायरेक्ट सी टू की वैल्यू पूछ गई है, ऐसा तो ऐसा नहीं करना कि पहले सी के ही निकालो देन के की वैल्यू टू रखो, ऐसा बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। देखो इसको विद इन ए सेकेंड्स कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर थ्री टी को ई की पावर जे थ्री टी माइनस ई की पावर माइनस जे थ्री टी डिवाइड बाई टू जे, ये लिख सकता हूँ मैं। इसको अलग अलग करके लिख लो, क्या मिलेगा मुझे, वन बाई टू जे e की पावर j 3t टी माइनस वन बाई टू जे ई की पावर माइनस जे थ्री टी प्लस ई की पावर j 2 बाई सेवन टी, ऐसे अभी लिख लिया। ठीक है, उसके बाद चाहिए होता है हमें उसका पीरियड, जब तक पीरियड या ओमेगा नोट, जब तक इन दोनों में से हमें वो नहीं मिलेगा तो हमारा काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो कैसे काम बनाएंगे, यहाँ पे देखो इसकी पहले एक ओमेगा वन तो दे रखा है मुझे, थ्री दे रखा है, थ्री रेडियन पर सेकेंड। दूसरा कितना देखा, जे का कोएफिशिएंट देखो, ओमेगा टू कितना देखा, टू बाई सेवन रेडियन पर सेकेंड। मुझे चाहिए ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट क्या होगा मेरा, एच सी एफ ऑफ ओमेगा वन एंड ओमेगा टू यानी थ्री एंड टू बाई सेवन। ये इसका एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ ऑफ न्यूमेरेटर थ्री और टू एंड एल सी एम ऑफ डिनोमीटर, डिनोमीटर इसको मैं अगर वन लिख लूँ तो वन एंड सेवन, तो थ्री और टू का एस सी एफ होता है वन, एल सी एम होता है सेवन, वन और सेवन का। ठीक है, तो ओमेगा नोट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जो इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी वन बाई सेवन ओमेगा नोट वन बाई सेवन रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमें यहाँ का बनाना वन बाई सेवन बनाना ओमेगा नोट की जगह। ठीक है, तो एक्स टी जिकस टू कितना आ गया मेरा, देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, यहीं से कंपेयर करके लिख देंगे हम। e की पावर मुझे j 3t बनाना, तो पहले होता है j देन ओमेगा नोट, ओमेगा नोट की आ गई है वैल्यू वन बाई सेवन, देन होता है k, k की जगह मैं क्या लिखूं कि मेरा ये j 3t ही बना रहे, मैंने नीचे एक्स्ट्रा सेवन लिया तो सेवन से मल्टीप्लाई, और क्या करूं मैं, मेरा 3t है तो देखो यहाँ सेवन से सेवन कैंसिल, मेरा थ्री कब आएगा, मैं यहाँ पर थ्री लिख देता हूँ, इसका मतलब मैंने सेवन से मल्टीप्लाई सेवन से डिवाइड कर लिया। ठीक है, जे ओमेगा नॉट ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज के देन टी, ऐसे अंदर इसके लिए लिखो, अगले वाले के लिए ई की पावर जे, यहाँ पे माइनस है ओमेगा नॉट, यहाँ पे माइनस भी है साथ में तो माइनस ले आओ अंदर, सेवन इंटू थ्री टी। ऐसे इस वाले के लिए लिखो ई की पावर जे देन ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट होता है वन बाई सेवन
यहाँ के की जगह मैं क्या लिखूँ कि मेरा जे टू वाई सेवन हो, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू की मल्टीप्लाई इस बार, ठीक है, जे टू सेवन जब तो रहेगा, जे टू वाई सेवन टी जब तो रहेगा, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसको कंपेयर करो, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है 21, यानी सी टू वन की वैल्यू कितना आ गई, इसका एम्पलीट्यूड देखो 1/2j, यहाँ पे ये सी माइनस 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड -1/2j, नेक्स्ट ये किसकी वैल्यू है सी टू की, तो सी टू की वैल्यू कितनी आ गई, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना 1, यानी 1 आ गई, ठीक है, हमसे सी टू की वैल्यू पूछी गई थी, तो सी टू की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है, तो सी टू की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, चलो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करनी है, ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।